स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल 6 फ्रॉम पेज नंबर 10 ऑफ रियल नंबर्स है. ओके, सो लेट्स रीड द स्टेटमेंट. फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. राइट, आपसे बोला गया है कि आपने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है. दो नंबर्स गिवन है, फर्स्ट वन इज 6 एंड द सेकेंड वन इज 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, सो इसके लिए हम देख लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो हम करेंगे कैसे. सो ऑब्वियसली बहुत सिंपल है, 6 को आपने क्या करना है, लीस्ट प्राइम नंबर के साथ डिवाइड करना है. तो लीस्ट प्राइम नंबर हमारे पास जो 6 के साथ कंप्लीट डिवीजन दे दे 2 होता है, राइट. सो 2 3 द 6 आएगा. ठीक है, अब 3 जो है वो प्राइम नंबर है. ठीक है, तो 3 अपने ही टेबल पे जाएगा. सो 3 1 द 3, राइट. अब 20 की बात कर लेते हैं हम. सो 20 लीस्ट प्राइम नंबर 2 के साथ डिवाइड होगा. सो 10 आ गया, अगेन 2 के साथ डिवाइड हो सकता है. सो 5 आ गया. अब 5 जो है वो खुद के साथ ही डिवाइड होगा, ये क्योंकि ये खुद ही प्राइम नंबर है, राइट. तो इसके फैक्टर्स क्या बन गए, 6 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 3, ठीक है. और 20 के फैक्टर्स हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5 आ गए, राइट. तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो 2 इंटू 3 है, ठीक है, ये 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, राइट. और 20 जो है, अब यहाँ पे 2 जो है 2 टाइम्स आया, तो ये क्या आ जाएगा, 2 पावर 2 इंटू 5 हो गया, राइट. तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है कि हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है. सो एलसीएम हमारे पास क्या होता है, अगर हम देखें एलसीएम ऑफ 6 एंड 20, ठीक है, एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम 6 एंड 20 का कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो यू कैन राइट प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स ओके. सो इसका क्या मतलब है कि आपने, आपके पास 6 आ रहा है और 20 आ रहा है, ठीक है. अब इसको हमने किस फॉर्मेट में लिखा था, 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1 की फॉर्म में, और इसको हमने 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 1 की फॉर्म में लिखा था. अब आपने क्या करना है, इन दोनों में, ठीक है, एक तो हमारे पास 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, ठीक है, ये 3 प्राइम नंबर्स आ रहे हैं. अब इन 3 प्राइम नंबर्स की आपने हाईएस्ट पावर्स देखनी है, ठीक है. अब इसमें देखा जाए तो 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 पावर 2, ठीक है. इसका आपने मल्टीप्लीकेशन करना है. अब 3 की तो डेफिनेटली मेरे पास 3 ही है, सो 3 पावर 1 आ गया, ठीक है. और 5 की भी 5 ही है, सो 5 पावर 1 आ गया. सो 2 पावर 2, दैट मीन्स 2 इंटू 2 4 आ गया, इंटू 3 इंटू 5. सो 4 इंटू 3 इंटू 5, दैट विल बी 60. दैट मीन्स कि हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आ रहा है, 6 और 20 का 60. इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के टेबल में ही 60 जो है वो अपियर होगा ही होगा. ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज HCF ऑफ 6 एंड 20. HCF ऑफ 6 एंड 20, ठीक है. अब HCF का मतलब क्या है हमारे पास, HCF means highest common factor, ठीक है. highest common factor हम कैसे find out कर सकते हैं, product of smallest power of each common prime factor, ठीक है, कि आपने किसका प्रोडक्ट लेना है. अब हमारे पास 6 और 20, ठीक है, आपने क्या देखना है कि हमारे पास 6 और 20 में कौन से प्राइम नंबर अपीयर हो रहे हैं, ठीक है. अगर 2 देखें तो 2 हमारे पास 6 में भी आ रहा है और 2 ही हमारे पास 20 में भी आ रहा है. लेकिन 3 देखा जाए तो 3 सिर्फ 6 में आ रहा है और 5 भी सिर्फ 20 में आ रहा है, ठीक है. तो इसमें क्या कह सकते हैं हम कि हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है, कॉमन का मतलब क्या है कि जो दोनों में अपीयर हो, तो वो कौन सा है,
ओनली टू पावर वन, दैट मीन्स कि एच सी एफ ऑफ 6 एंड 20 क्या होगा, 2।